ये स्टूडेंट uh, हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है ठीक है इसमें पूछा गया, गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन इक्वल ऑर्गेनिकोर परसेंट मतलब कार्बन कंटेंट कॉन्टेंट इसमेंट है हाइड्रोजन इक्वल टू थर्टीन पॉइंट वन थ्री परसेंट है एंड रेस्ट बींग ऑक्सीजन ठीक है रेस्ट जो है हमारे पास ऑक्सीजन बचती है इट्स मोलिकुलर मास इज फोर्टी सिक्स ग्राम पर मोल इसका मोलिकुलर मास कितना आ रहा है फोर्टी सिक्स ग्राम पर मोल आ रहा है फाइंड इट्स इंपिरकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ठीक है आपको इसका इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों बताना है अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका परसेंटेज देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है तो आप लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना गिवन है हमारे पास 52.14 परसेंट ठीक है अगर मेरा कंपाउंड जो है वो 100 ग्राम का है तो डेफिनेटली 100 ग्राम के अकॉर्डिंगली 100 परसेंट आएगी तो इट मींस कि ये हमारे पास कितना है 52.14 टू पॉइंट वन फोर ग्राम आ गया ठीक है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू ठीक है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ गई हमारे पास 100 में से इन दोनों की एडिशन माइनस जब हम कर देंगे तो हमारे पास वो रेस्ट जो है ऑक्सीजन आ जाएगी तो आप क्या कह सकते हो 100 परसेंट माइनस 52.14 प्लस 13.13 ठीक है ये हमारे पास जो परसेंटेज है जब हमने आपस में ऐड किए और 100 परसेंट में से माइनस किए तो आई गेट ऑक्सीजन ठीक है 100 परसेंट आ गया माइनस 65.27 परसेंट आ गया ठीक है जब आपने माइनस किया तो आंसर इज 34.73 परसेंट ओके इट इज इक्वल टू यू कैन से थर्टी फोर ग्राम आ गया स्टूडेंट्स हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेंगे ठीक है जिसमें हम एलिमेंट्स ले लेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन अटोमिक मास नंबर ऑफ मोल्स एंड फाइनली मोलर रेशो ठीक है तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कार्बन है कार्बन की जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है दैट इज फिफ्टी परसेंट हमने पहले ही ग्राम में कन्वर्ट किया हुआ है तो दैट इज 52.14 ग्राम आ गया ठीक है सेकेंड हमारे पास हाइड्रोजन है दैट इज 13.13 परसेंट आ गया इक्वल टू 13.13 ग्राम हो गया ठीक है ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारे पास 34.73 परसेंट है इक्वल टू 34.73 ग्राम आ गया ठीक है कार्बन का अटोमिक मास हमारे पास ट्वेल्व आता है हाइड्रोजन का वन आता है ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है ठीक है अब नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है आप साइड पे लिख लो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एक्चुअल वेट या एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ठीक है अब एक्चुअल मास हमारे पास कार्बन का कितना है 52.14 ग्राम तो आप लिख लो 52.14 ग्राम आ गया डिवाइडेड बाय ये हमारे पास ग्राम पर मोल है ठीक है ये भी ग्राम पर मोल आ गया एंड दिस इज आल्सो ग्राम पर मोल ओके सो 12 ग्राम पर मोल ठीक है जब आपने डिवाइड किया तो यू आर गेटिंग नंबर ऑफ मोल्स फोर फाइव आ गया ठीक है अब हाइड्रोजन थर्टीन पॉइंट वन थ्री ठीक है ये ग्राम है डिवाइडेड बाय वन ग्राम पर मोल आ गया ठीक है ये इक्वल कितना आ रहा है हमारे पास ये मोल में आंसर है ओके okay? क्योंकि ग्राम के साथ हमने ग्राम कैंसिल कर दिया तो ये भी ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया सो योर आंसर इन टर्म्स ऑफ मोल थर्टीन मोल आ गया ठीक है कि हाइड्रोजन के इतने मोल प्रेजेंट है ऑक्सीजन 34.73 फोर ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ग्राम पर मोल आ गया ठीक है ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया सो योर आंसर इज 2.170 मोल आ गया ठीक है अब मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं जैसे कार्बन का हो गया हाइड्रोजन का हो गया और ऑक्सीजन का हो गया इनमें जिसके सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम सभी वैल्यूज के साथ डिवाइड करते हैं तो उससे हमारे पास मोलर रेशो आ जाती है ठीक है तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है टू पॉइंट वन सेवन जीरो आ रही है ठीक है तो हम तीनों वैल्यूज को टू पॉइंट वन सेवन जीरो के साथ डिवाइड कर देंगे सो फोर पॉइंट थ्री फोर फाइव डिवाइडेड बाई 2.170 आ गया ठीक है जब आपने डिवाइड किया तो योर आंसर इज 2.00 पॉइंट जीरो जीरो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टू आ गया ठीक है 13.13 .13 को जब आपने 0.170 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 6.05 6.05 आप इसको अप्रॉक्स करके सिक्स ही कह सकते हो ठीक है तो जब आपने टू पॉइंट वन सेवन जीरो को डिवाइड किया टू पॉइंट वन सेवन जीरो के साथ तो यू आर गेटिंग 1, ठीक है? ये तो बात है ये ही आ गया ठीक है अब हमने इंपेरिकल फॉर्मूला जो है कंपाउंड का वो देखना है इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ठीक है उनके कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है तो क्या आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दी कंपाउंड इक्वल टू हमने सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल लिया है तो कार्बन कितना प्रेजेंट है टू हाइड्रोजन सिक्स ऑक्सीजन वन ये हमारे पास क्या आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया ठीक है तो आपको इस, इसको रीअरेंज करके लिख लो सी टू एच सिक्स ओ डन अभी नेक्स्ट हम निकालेंगे मॉलिकुलर फॉर्मूला ठीक है तो आप हेडिंग दे दो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला तो उसके लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंपीरिकल फॉर्मूला मास देख लेंगे तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू हम सभी के जो, जो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला है ठीक है उसके जब अटोमिक मास ऐड कर देंगे तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा ठीक है तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था हमारे पास सी टू एच सिक्स ओ था ठीक है आप क्या करोगे इनके मासिस आपस में एड कर दोगे तो क्या हो गया अटोमिक मास ऑफ कार्बन दो एटम प्रेजेंट है तो इन टू कर दोगे आप प्लस अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो इंटू सिक्स कर दोगे प्लस अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ठीक है अब अटोमिक मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व होता है टू एटम्स प्रेजेंट है तो इंटू टू हो गया प्लस हाइड्रोजन वन होता है ठीक है सिक्स प्रेजेंट है तो इंटू सिक्स हो गया प्लस अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन सिक्सटीन होता है ए की एटम प्रेजेंट है तो इंटू वन हो गया ठीक है ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स प्लस सिक्सटीन ठीक है अब ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स थर्टी थर्टी प्लस सिक्सटीन फोर्टी सिक्स आ गया डन हमारे पास मॉलिकुलर मास जो है वो गिवन है कंपाउंड का दैट इज फोर्टी सिक्स ग्राम पर मोल ठीक है अब हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है एन हमारे पास एक ऐसा इंटीजर है जब आप इंपीरिकल फॉर्मूला के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा ठीक है तो एन की वैल्यू क्या आती है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास मोलिकुलर मास कितना गिवन है 46 ग्राम पर मोल है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी हमारे पास इतना ही आया हुआ फोर्टी सिक्स ग्राम पर मोल ठीक है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे सो so एन की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास वन आ गई है ठीक है अब हमने मोलिकुलर फॉर्मूला देख लेना है ठीक है तो थर्ड हमारा स्टेप क्या है हमने मोलिकुलर फॉर्मूला देखना है सो मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पीरिकल एन की वैल्यू वन है इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास सी टू एच सिक्स ओ गिवन है ठीक है तो हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया सी टू एच सिक्स ओ ही आ गया डन सो so, ये फॉर्मूला हमारे पास हम कह सकते हैं कि माइट बी दिस फॉर्मूला इज सो दूला मे बी सी एच थ्री सी एच टू ओ एच Or it may be CH3OCH3.